प्रणाम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। फोटो लो। एक फोटो लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सचदेव जी, एक फोटो। लगता है पुराने लोगों की थोड़ी बहुत इज्जत अभी बाकी है। आते हैं। अमन, एक अच्छे से फोटो लेंगे। एक और, एक और। विमल, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। उस प्रभाकर को देखकर मुझे चिढ़ होती। कल का आया छोकरा कितना नाम हो गया उसका आश्रम में, और हम इतने सालों से यहाँ पे हैं, उसका क्या? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। और उसकी तो छोड़ो, हमारे स्वामी जी कितना भाव दे रहे हैं उसको। जब देखो उसी को खोजते रहते हैं, प्रभाकर कहाँ है, प्रभाकर को बुलाओ, प्रभाकर को ये दो, प्रभाकर को वो दो, प्रभाकर प्रभाकर। अरे ये सब चल क्या रहा है? पुराने भय सब चाकर और सर पे चढ़ रहा है इनके प्रभाकर। प्रभाकर कहाँ है? कल जो अतिथि आने वाले हैं उनके लिए सारी तैयारियां हो गई? बुलाओ प्रभाकर को। स्वामी जी, वो आ रहे हैं। आओ प्रभाकर, तुम्हारी ही बात हो रही थी। प्रणाम स्वामी जी। कल जो अतिथि आने वाले हैं उनके लिए सारी तैयारियां हो गई? जी स्वामी जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत बढ़िया, तुम्हें कोई भी काम देकर निश्चिंत हुआ जा सकता है। एक काम और करो। जी। अतिथियों के लिए जो कमरे तैयार हुए हैं उन्हें जाकर देख लो, सब ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है स्वामी जी, अभी जाता हूँ। तुम भी जाओ उनके साथ, उनकी मदद करो। स्वामी जी, हमारे साथ ये अन्याय क्यों? अन्याय? कैसा अन्याय? जी स्वामी जी, अन्याय। हमें लग रहा है कि आप हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। तुम थोड़ा विस्तार से और स्पष्ट बात करोगे? ठीक है स्वामी जी। हमें पता है कि आजकल प्रभाकर पर आपका कुछ विशेष ध्यान है। जरूर हमसे अलग उसे कुछ कलाएं और ज्ञान दे रहे हैं जिसकी हमें कानों कान तक खबर नहीं होने दी, और यही वजह है कि इतने कम समय में उसका इतना नाम हो गया है। विशेष ज्ञान? कैसा विशेष ज्ञान? मैंने तो तुम सभी को एक जैसा ही ज्ञान दिया है, कभी किसी को कोई विशेष ज्ञान नहीं दिया। मैं नहीं मानता। हमें मालूम है कि आप ऐसा कर रहे हैं, और इस बार आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। हम इतने वर्ष पूर्व आए हैं यहाँ पे, हम वरिष्ठ हैं। आपके ज्ञान पे तो सबसे पहला अधिकार हमारा है, और अब समय आ गया है कि आप हमें हमारा अधिकार प्रदान कर दें। तो तुम्हें विशेष ज्ञान चाहिए और अधिक आदर सम्मान चाहिए, तो ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन मैं एक परीक्षा लेना चाहूंगा, और यदि तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। परीक्षा? कैसी परीक्षा स्वामी जी? बहुत आसान है। नदी के किनारे जो गांव है ना, जहां तुम अक्सर जाते हो, तुम में से कोई एक उस गांव में जाए और पूरे गांव में से एक अच्छा व्यक्ति ढूंढकर मेरे पास ले आए। समझ रहे हो ना? पूरे गांव में से केवल एक अच्छा व्यक्ति ढूंढकर लाना है। ठीक है स्वामी जी, मैं जाऊंगा। यह बहुत आसान काम है। ठीक है, सफल होकर आना।
क्या हुआ सचदेव, तुम्हें कोई मिला? मुझे क्षमा करे स्वामी जी, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन। लेकिन क्या सचदेव, बताओ तो सही। स्वामी जी, मैं जिससे भी मिला उसने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई बुरा काम जरूर किया, इसलिए मैं एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं ला पाया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने बुलाया स्वामी जी? हाँ प्रभाकर, मेरा एक काम करोगे? जी स्वामी जी। नदी के किनारे जो गांव है ना, जहां तुम अक्सर जाते हो, तुम्हें वहां जाना है और वहां से एक बुरे व्यक्ति को ढूंढकर मेरे पास लेकर आना है। समझ रहे हो ना? जी। पूरे गांव में से केवल एक बुरे व्यक्ति को ढूंढकर लाना है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, आप फिर से अन्याय क्यों कर रहे हैं? अब वो जाएगा और पूरे गांव को लेकर आएगा। थोड़ा धैर्य रखना सीखो सचदेव, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ प्रभाकर, बहुत विचलित दिख रहे हो। मुझे क्षमा करें स्वामी जी, मैंने आपको निराश किया। आपने जो मुझे कार्य दिया था मैं उसमें पूरी तरह से विफल रहा। हुआ क्या, बताओ तो सही। स्वामी जी, आपने कहा था कि गांव से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाना। मैंने पूरा गांव छान मारा, पर सभी ने कोई ना कोई अच्छा कार्य तो किया ही था। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जिसने केवल कोई बुरा कार्य किया हो। सब में कोई ना कोई अच्छाई तो थी ही। ठीक है, तुम जाओ। कुछ समझ आ रहा है? तुम एक गांव में गए, तुम्हें वहां एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि तुम्हें सब में कुछ ना कुछ बुरा दिखा। वह भी उसी गांव में गया, उसे एक भी बुरा व्यक्ति नहीं दिखा, क्योंकि उसे सब में कुछ ना कुछ अच्छा दिखा। अब एक बात ठीक से समझ लो, तुम सभी मुझे समान रूप से प्रिय हो। मैंने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, कभी किसी को कोई विशेष ज्ञान नहीं दिया। हमारा जीवन खिल उठता है जब हम सब ओर अच्छा देखने लगते हैं। वहीं जब दृष्टि बुराई में अटक जाती है तो पूरा जीवन मुरझाने लगता है। अब यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम क्या देखते हो, अच्छा या बुरा। अच्छा देखते हो तो अच्छाई बढ़ती है, तुम्हारे साथ सब अच्छा होने लगता है। बुराई केवल बुराई को आकर्षित करती है। जब हमारा मन बुराई देखने में लग जाता है तो हम कछुए की गति से भी आगे नहीं बढ़ पाते। जीवन में केवल वही तेजी से आगे बढ़ते हैं जिनका मनोभाव सकारात्मक है।